दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एलार्जिनिन पे। एलार्जिनिन एक वंडरफुल मॉलिक्यूल है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन का बेस है। बेसिकली जो भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसमें एलार्जिनिन का सेशे होता ही होता है, या एलार्जिनिन टैबलेट फॉर्म में, जेल फॉर्म में, बहुत सारे फॉर्म्स में आजकल एलार्जिनिन अवेलेबल है। तो ये जो ट्रीटमेंट का बेस है आज मैं इसी पे बात करने वाला हूँ कि एलार्जिनिन जो है वो क्या है, इसको किसने खोजा, ये कैसे काम करता है। तो इन्हीं सब पे बात करते हैं और एलार्जिनिन पे काम चालू करते हैं। तो एलार्जिनिन जो था उसको सबसे पहले एक जर्मन साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट, उन्होंने उसको 1886 में इसको खोजा था। अब एलार्जिनिन जो है ये पेशाब में भी पाया जाता है। तो जब आप इसको लेते हो तो इसकी जो स्मेल है वो पेशाब जैसी होती है, तो इसको आर्जिनिन भी कहा जाता है। अब ये इतना वंडरफुल मॉलिक्यूल है कि इसको मेडिसिन का नोबेल प्राइज मिला 1998 में। इसको नोबेल प्राइज जो मिला वो क्यों मिला, क्योंकि एलार्जिनिन और एक दूसरा एक मॉलिक्यूल होता है जिसको नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, तो ये एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड का काम क्या होता है, ये जो हमारी ब्लड वेन्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, इसको स्मूद करता है। मतलब जब उसमें ब्लड जाएगा तो ये ऐसे इसको स्मूद कर देगा। जैसे कि आपने अजगर के मुंह के अंदर कोई आदमी गया तो जैसे अजगर निकल जाता है ना ऐसे करते करते, तो ऐसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड जब ब्लड जाता है और हमारी जो वेन्स होती है उसके अंदर जब स्टिफनेस आ जाती है, तो एलार्जिनिन जो है नाइट्रिक ऑक्साइड को बोलता है कि भैया इसको स्मूद कर दे, तो उसको स्मूद कर देता है, इससे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। मतलब ये वेन्स को डायलेट कर देता है, बड़ा कर देता है, जो नली छोटी है उसको बड़ा कर देगा। तो उससे क्या है कि आपका ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, और उससे क्या होगा, पेनिस यदि सिकुड़ रहा है, ब्लड फ्लो बढ़ा तो आपका जो गुब्बारा है वो रॉकेट बन जाएगा और आपका पेनिस इरेक्ट हो जाएगा। तो ये तो मैंने आपको बताया क्या कि एलार्जिनिन और नाइट्रिक ऑक्साइड का जो रोल है आपस में क्या है। तो एलार्जिनिन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरत है उसकी नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन में, इसलिए उसको नोबेल प्राइज मिला। कि वो जो रोल है एलार्जिनिन और नाइट्रिक ऑक्साइड का, कि कैसे एलार्जिनिन नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन करता है और उससे हमारी हार्ट डिजीज, बॉडी के अंदर जो वेस्कुलर डिजीज है, जो बॉडी के अंदर आपका ब्लड फ्लो है उसको कैसे ये किस तरह से मैनेज करता है। एलार्जिनिन के जो दूसरे रोल है कि हमारे जो शरीर में घाव होते हैं तो उनकी हीलिंग करता है ये, इसका एक मेन रोल है। इसका जो वुंड हीलिंग में रोल है, मतलब जो घाव बन जाते हैं वो घाव कैसे भरते हैं, इसमें इसका रोल है। न्यूरोट्रांसमिशन में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मतलब जो भी संवेदना है, जो सेंसेशन है, मैंने टच किया तो इस सेंसेशन को रूट करने में भी एलार्जिनिन और नाइट्रिक ऑक्साइड का बहुत बड़ा रोल है। तो इन सारे बेनिफिट्स के लिए नोबेल प्राइज मिला। तो नोबेल प्राइज ऐसा लड्डू नहीं होता कि किसी को भी मिल गया। तो बेसिकली एलार्जिनिन है क्या, तो एलार्जिनिन क्या है, एलार्जिनिन एक सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड है, और सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जो बॉडी खुद बनाती है। अब जब कभी इसकी आवश्यकता ज्यादा होती है और बॉडी कम बनाती है तो ये मॉलिक्यूल जो है हमें बाहर से लेना पड़ता है, इसको एज ए सप्लीमेंट लेना पड़ता है। अब ये जो एलार्जिनिन है नाइट्रिक ऑक्साइड के निर्माण में कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, थोड़ा सा अपन उस पर भी बात करते हैं। तो एलार्जिनिन जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड के निर्माण में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। होता यह है कि जो एलार्जिनिन है वो कन्वर्ट होता है नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस के अंदर, एक बीच की प्रक्रिया है, और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस है ये रेस्पॉन्सिबल है नाइट्रिक ऑक्साइड के बनने में। मतलब एलार्जिनिन से बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस, जिसको हम NOS बोलेंगे, और NOS से बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड। अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस है ये तीन तरीके का होता है, मतलब अलग अलग जगह पे जाके ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा। तो सबसे पहला है वो क्या है, सबसे पहला है एंडोथीलियल NOS, जो कि जो अपने ब्लड वेसल्स होती है जैसे हार्ट की, पेनिस की, ब्रेन की, कहीं की भी। तो एंडोथीलियल NOS जो है वो क्या होता है, एंडोथीलियम में पाया जाता है। एंडोथीलियम क्या है, एंडोथीलियम है आपके जो आपकी वेन है उसकी इनर लाइनिंग, मतलब ये वेन है मेरी, इसकी जो इनर लाइनिंग है इसको हम एंडोथीलियम बोलेंगे। तो ये जो एंडोथीलियम है उसकी परत पे ENOS, एंडोथीलियल नाइट्रिक ऑक्साइड पास ये पाया जाता है। तो ये क्या करता है,
ये ब्लड फ्लो को मेंटेन करता है जैसे कि मैंने बताया, और क्या करेगा, और ये सॉफ्ट करेगा वेन को, कि जैसे इसमें कुछ प्रेशर चाहिए इरेक्शन के लिए या और किसी काम के लिए, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो ये सॉफ्ट कर देगा। सॉफ्ट कर देगा तो क्या होगा, आपका जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। दूसरा है न्यूरोनल एनोस। न्यूरोनल एनोस नाम से पता चल रहा है कि न्यूरॉन्स में पाया जाता है। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, नर्वस सिस्टम में। तो क्या काम हो गया इसका, ये न्यूरोट्रांसमिशन का काम करता है, सेंसेशन। जैसे ही किसी औरत ने किसी आदमी कुछ हुआ तो आपका जो पेनिस इरेक्ट हो रहा है वहां पर क्या काम करेगा, उसको न्यूरोनल एनोस बोलेंगे। और तीसरा है इंड्यूसिबल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस। तो ये है सब नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस ही, पर अलग अलग जगह पे पाए जाए तो इनका नाम अलग अलग होगा। ये क्या करते हैं कि जैसे बॉडी में कोई चोट लगी, इन्फ्लामेशन हुआ, अटैक हुआ, तो ये वहां जाकर उसको हील करते हैं। तो ये बेसिकली तीन मेजर तरह के नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस होते हैं। और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस होते हैं ये आपका नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं, और आपके जो भी जिस भी सेगमेंट में आपको रिक्वायरमेंट है उस वक्त ही काम करते हैं। तो एलार्जिनिन बेसिकली क्या है, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं। और ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये हमारी बॉडी का बिल्टअप करते हैं, मसल बिल्डिंग करते हैं, बॉडी का बैकबोन होते हैं। तो ये जब आपको फूड से पूरा नहीं मिलता है तो हमें एलार्जिनिन को क्या करना पड़ता है, हमें बाहर से लेना पड़ता है, सब्स्टिट्यूट लेना पड़ता है। तो इसीलिए एलार्जिनिन या नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत एसेंशियल है इरेक्शन के लिए, हार्डनेस के लिए, कि जैसे ही आपके शरीर के अंदर एलार्जिनिन ज्यादा होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड ज्यादा होगा, तो क्या होगा, आपका प्रॉपर इरेक्शन आएगा। सो अभी इसमें इतने सारे सप्लीमेंट आ गए मार्केट के अंदर एलार्जिनिन के लिए कि आप ऑनलाइन देखेंगे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। सो एलार्जिनिन एक मॉलिक्यूल है जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड के निर्माण के लिए काम आता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत जरूरी है पेनिस के अंदर स्पार्क देने के लिए, इरेक्शन करने के लिए। तो जब आपके शरीर में भरपूर मात्रा में नाइट्रिक ऑक्साइड होता है तो आपका जो पेनिस है वो इरेक्ट होता है। और इरेक्ट कैसे होता है, पेनिस की जो वेन्स हैं जो उनमें ब्लड फ्लो बढ़ने लगता है, और जैसे ही ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो पेनिस के अंदर स्मूथ मसल्स होती हैं, वो स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाती हैं जिससे उसके अंदर ब्लड फ्लो भर जाता है, पेनिस ब्लड से भर जाता है। और ये जो स्मूथ मसल रिलैक्स हुई है उसकी वजह से जो ब्लड भरा है तो आपका जो इरेक्शन है, इरेक्शन का जो कोशिकाएं हैं, इरेक्टाइल टिश्यूज हैं, वो भर जाएंगे और आपका प्रॉपर इरेक्शन आ जाएगा। अब सवाल ये कि एलार्जिनिन के जो लेवल्स हैं वो शरीर के अंदर डिक्रीज क्यों हो रहे हैं, कम क्यों हो रहा है, क्यों इरेक्शन खत्म हो रहा है। तो सबसे पहला डाइटरी डेफिशिएंसी। तो एलार्जिनिन जो है, यदि आप प्रोटीन वगैरह कम ले रहे हो, जैसे कि अपन इंडियंस की बात करें तो मोस्ट इंडियंस जो है वेजिटेरियंस है, तो प्रोटीन पार्ट कम होता है। अब एलार्जिनिन क्या है कि इसके निर्माण के लिए प्रोटीन चाहिए। तो जब आपकी डाइट के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं होते तो आपका एलार्जिनिन का निर्माण कम होता है। तो उसके लिए क्या करना है अपने को कि प्रोटीन रिच फूड लेना है। जैसे कि यदि आप नॉन वेज खाते हो तो मीट वगैरह, नॉन वेज नहीं खाते हो तो डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर जो प्रोटीन्स आता है वो ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, बादाम वगैरह ये सब ले सकते हैं, और फ्रूट्स वगैरह जो जूसी फ्रूट्स हैं जैसे कि जिनमें अम्यूनो एसिड्स बहुत सारा होता है, जैसे कि आप अनार का जूस है या अनार है, तो ये जो सब चीजें हैं जो हमारे को एनर्जी देते हैं उससे हमारे अम्यूनो एसिड्स बढ़ते हैं और उससे हमारा एलार्जिनिन भी बढ़ता है। जो सेकेंड रीजन है उसका वो है एज, कि जैसे ही हमारा जो एज बढ़ता है, हम एजिंग में जाते हैं, हम बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, तो हमारा जो बॉडी है वो अमीनो एसिड्स को कम प्रोड्यूस करती है। एजिंग मतलब आपका शरीर है, इसकी जो कोशिकाएं झुर्रियां पड़ने लग रही, इसका मतलब इसका मेटाबॉलिक सिस्टम स्लो हो गया है, आपके बाल गायब हो रहे हैं, उसकी वजह से जैसे बॉडी के बाकी के ऑर्गन्स स्लो काम करते हैं कि आपके कब्ज रहने लग जाते हैं, आपके कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, वैसे ही बाकी की चीजें भी कम बनने लगती है और एलार्जिनिन भी कम बनने लगता है। जो तीसरा रीजन है वो है क्रॉनिक डिजीजेस, जैसे कि ऐसी बीमारियां जो लंबे समय से चल रही है, लंबे समय से चलने वाली बीमारियां जैसे कि डायबिटीज हो गई, हार्ट डिजीजेस हो गई, किडनी डिजीजेस हो गई, तो ये जो सारी बीमारियां हैं, लंबे मोटापा हो गया, तो ये सब क्या है, थायराइड हो गया, इन सब की वजह से आपका एलार्जिनिन जो है उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। जो चौथा रीजन है वह है स्ट्रेस या इन्फ्लामेशन।
क्रॉनिक स्ट्रेस है, लंबे समय से आपको कोई जीवन में स्ट्रेस चल रहा है, आप और आपका जो वाइफ है, आपका जो पार्टनर है, उसके अंदर बहुत मनमुटाव चल रहे हैं, आपकी जॉब में कोई स्ट्रेस है, मतलब कोई भी स्ट्रेस, किसी भी रिलेटेड कोई भी परेशानी, तो उससे भी आपका एलार्जिनिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है और उसकी वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन कम हो जाएगा और उस स्ट्रेस की वजह से आपका, आपने फील किया होगा कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपका इरेक्शन भी कम हो जाता है। पांचवा जो रीजन है वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो कि आपके एजिंग की वजह से आ रहे हैं, ओबेसिटी को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं। तो ओबेसिटी के अंदर हमारा एलार्जिनिन का जो लेवल है वो कम होने लगता है। तो ओबेसिटी को रोकने का सबसे एक ही तरीका है, वो है डाइट और एक्सरसाइज। तो जैसे ही आप एक्सरसाइज करने लगते हो तो आपका एलार्जिनिन लेवल भी बढ़ने लगता है। और एक्सरसाइज कौन सी करनी है, जैसे मैंने आपको हर वीडियो में बताया कि दबा के जिम में मसल एक्सरसाइज करो, तो जैसे ही आप मसल एक्सरसाइज करते हो, डंबल वम्बल मारते हो, तो आपका जो मेटाबॉलिक सिस्टम है स्ट्रांग होने लगता है और आपकी जैसे ही मसल टूटेगी तो उसको रिपेयर करने के लिए बॉडी अपने आप प्रोटीन बनाएगी और उससे एलार्जिनिन बनेगा। कुछ दवाइयां भी हैं, जैसे लंबे समय तक आप एंटी डिप्रेसेंट्स लेते हो या कोई नींद की दवाई ले रहे हो, लंबे समय तक दवाई चलने वाली, जैसे कि आप ओमेज वगैरह ले लेते हो पेट के लिए, अल्सर के लिए, उसके वजह से भी आपका एलार्जिनिन का निर्माण कम हो जाता है। पुअर ब्लड सर्कुलेशन के वजह से भी आपका एलार्जिनिन का निर्माण कम हो जाता है कि ब्लड फ्लो ही कम जा रहा है। ब्लड फ्लो कम कैसे होगा, उसको बोलते हैं आर्टेरियल इंसफिशियंसी, कि आपका जो उसके अंदर कोई ब्लॉकेजेस वगैरह आ गए हार्ट के अंदर, नलियों के अंदर, नलियां सिकुड़ रही है कोलेस्ट्रॉल की वजह से, उसकी वजह से भी हमारा एलार्जिनिन जो है वो उसका निर्माण कम हो जाता है। तो ये सब कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जिसको मैंने डिस्कस किया कि किन किन वजह से हमारा एलार्जिनिन का लेवल बॉडी में से कम हो जाता है। तो अब एलार्जिनिन जो है वो इरेक्शन में कैसे हेल्प करता है उस पर बात करते हैं। एलार्जिनिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इरेक्शन के अंदर, वो कैसे करता है उस पर डिस्कस करते हैं। तो इसका जो मैकेनिज्म एक्शन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जैसे ही कोई सेक्सुअल स्टिमुलेशन हुआ, मतलब किसी औरत ने किसी आदमी को किस किया, तो क्या होगा कि बॉडी में अराउजनेस हुई, आपके अंदर सिहरन हुई, तो वो जो सेक्सुअल अराउजल है, आपने किसी को छुआ या कोई फोन पे बात करी, या साइकोलॉजिकली भी आपने किसी आदमी को छुआ या किसी आदमी ने औरत को छुआ, तो उस वक्त आपका जो नर्वस सिस्टम है, वो नर्वस सिस्टम की जो नर्व एंडिंग है, ये मेरा नर्वस सिस्टम है, ये नर्व है, इसकी जो नर्व एंडिंग है वहां पर, जो नर्व एंडिंग कहाँ की, पेनिस की या वजाइना की, उस नर्व एंडिंग के अंदर क्या रिलीज होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस, NOS रिलीज होगा। और वो जो नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस है वो क्या करेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड को निर्माण करेगा। और नाइट्रिक ऑक्साइड के निर्माण होते ही क्या होगा कि आपका जो पेनिस है उसमें वेजो डायलेशन हो जाएगा। वेजो डायलेशन होते ही आपने कुछ सोचा, कुछ किसी लड़की को पे बात किया, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस हुआ और ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, और ब्लड फ्लो बढ़ते ही आपके पेनिस के अंदर इरेक्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि सेक्सुअल स्टिमुलेशन होता है, तो जैसे ही आपने, आपको कोई अराउजल मिला, आपको कोई सेंसेशन फील हुई, तो जो आपकी जो बॉडी है उस सेंसेशन की वजह से जो आपकी नर्वस सिस्टम है, उस नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम है हर जगह है, तो पेनिस के अंदर जो नर्व एंडिंग है, जो नर्व्स है, उस सेंसेशन की वजह से वहां पर नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है। और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा, तो हमारा जो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होने की वजह से क्या होगा, वैसो डायलेशन होगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा, और ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो जो हमारा पेनिस है उसके अंदर डायलेशन हुआ, ब्लड फ्लो बढ़ा, तो पेनिस इरेक्ट हो जाएगा। या यदि आपकी वजाइना है तो वजाइना तो इरेक्ट नहीं होती, उसके अंदर लुब्रिकेशन चालू हो जाता है, चिकनाई चालू हो जाती है। कोई पार्टनर है, आपने, आप मेल ने किसी फीमेल को छुआ, तो उसकी वजह से उसकी जो वजाइना है वो लुब्रिकेटेड हो जाएगी, उसके अंदर चिकनाई आने लगेगी। अच्छा, और पेनिस में क्या होता है कि जो ये ब्लड फ्लो बढ़ा है, तो ब्लड फ्लो बढ़ते ही अंदर के अंदर पेनिस के अंदर क्या होता है, कॉर्पोरा कैवर्नोसम और कॉर्पोरा स्पॉन्जोसम दो सेल्स होती हैं, और इनके अंदर जो वैसो डायलेशन होगा, और वैसो डायलेशन की वजह से जो आपका कॉर्पोरा कैवर्नोसम है उसके अंदर ब्लड बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से आपका पेनिस इरेक्ट हो जाएगा। अब प्रॉब्लम जो है वो कहाँ है, प्रॉब्लम ये है कि इस इरेक्शन को मेंटेन करने के लिए हमें क्या चाहिए, नाइट्रिक ऑक्साइड। अब यदि आपका नाइट्रिक ऑक्साइड कम है
तो ये जो इरेक्शन है, ये जो जो आपका जो सॉफ्टनेस है ये वापस से डाउन हो जाएगी और आपका जो इरेक्शन है वो डिसअपियर होने लगेगा। और आप क्या सोचोगे कि मैं कॉन्डोम चढ़ाने जा रहा हूं या कोई मोबाइल आ गया, फोन आ गया, तो आपका इरेक्शन डिसअपियर हो रहा है। ऐसा पहले नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपके शरीर के अंदर एलार्जिनिन ज्यादा था। तो इरेक्शन को मेंटेन करने के लिए कंटिन्यूस स्टिमुलेशन जरूरी है। और वो कंटिन्यूस स्टिमुलेशन कैसे मिलेगा? एक तो आपका पार्टनर आपको प्रेम करेगा, और प्रेम की वजह से क्या होगा, एलार्जिनिन या नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा, और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये इस इरेक्शन को मेंटेन करेगा, आपका जो पेनिस है वो इरेक्ट रहेगा। इसलिए नाइट्रिक ऑक्साइड जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपके इरेक्शन सॉलिड रहेगा, हार्ड रहेगा, आप खेल पाओगे उसके साथ, अलग अलग पोजीशंस में जा पाओगे। अब आप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जा रहे हो इतनी देर में, तो क्या होगा, आपका नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो कम हो जाएगा और आपका इरेक्शन डिसअपियर हो जाएगा। तो दो चीजें चाहिए इरेक्शन को मेंटेन करने के लिए, एक तो कंटिन्यूस स्टिमुलेशन और दूसरा नाइट्रिक ऑक्साइड और या एलार्जिनिन। तो अब जैसे ही बॉडी के अंदर क्या होगा, एलार्जिनिन कम हो जाएगा, तो हमारे को इरेक्शन को मेंटेन करने में दिक्कत आएगी। टू मेंटेन इरेक्शन वी नीड नाइट्रिक ऑक्साइड, और जब नाइट्रिक ऑक्साइड ही कम है तो क्या होगा कि आपका इरेक्शन मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो इरेक्शन को मेंटेन करने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो ब्लड फ्लो, मतलब आपका पेनिस के अंदर लगातार ब्लड आता रहे। यदि ब्लड आता रहेगा तो क्या होगा, आपका जो पेनिस है वो खड़ा ही रहेगा, इरेक्ट रहेगा, आप खेल पाओगे इसके साथ, आप एंजॉय कर पाओगे। अब इसको इसके अंदर ब्लड आता रहे तो उसके लिए क्या चाहिए, नाइट्रिक ऑक्साइड चाहिए। यदि नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं आएगा तो क्या होगा कि जो इसमें ब्लड आ गया वो आ गया, उसके बाद आप इसके साथ खेल नहीं पाओगे। कि अब आप पंपिंग कर लो, पंपिंग करके एक्ट को फिर जल्दी से खत्म कर लो, और यदि आपको उसके साथ इंजॉय करना है, सेक्सुअल प्लेजर पूरा लेना है, तो आपके पास कंटिन्यूस ब्लड सप्लाई चाहिए कि पाइप में लगातार ब्लड आ रहा है, तो ही आप खेल पाओगे इधर से उधर। तो इसके लिए नाइट्रिक ऑक्साइड का होना बहुत जरूरी है, और नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए एलार्जिनिन का होना बहुत जरूरी है। तो यदि आपकी बॉडी के अंदर एलार्जिनिन कम है, जो मैंने रीजंस बताए कि एजिंग है, दूसरे फैक्टर्स है कि एलार्जिनिन कम हो रहा है, स्ट्रेस है, एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, बेडरूम स्ट्रेस की वजह से भी आपका एलार्जिनिन कम हो जाएगा, तो आपका सेक्शुअल प्रॉब्लम आएगा, इरेक्शन प्रॉब्लम आएगा। जो मैंने आपको बताई है ये ऐसे नहीं कि मैंने मन में आई और बड़बड़ा दी, इस पे कई स्टडीज हुई हैं, और जो सबसे फेमस स्टडी हुई है साउथ कोरिया के अंदर हुई। उसके अंदर करीब 6 ग्राम एलार्जिनिन रोज का 3 महीने तक लोगों में दिया गया। आधे लोगों के अंदर 6 ग्राम एलार्जिनिन दिया गया, और आधे लोगों के अंदर जो उस स्टडीज के अंदर थे, आधे लोगों के अंदर कोई भी प्लेसिबो थेरेपी दी गई, उनके अंदर से किसी भी तरह का और कोई मॉलिक्यूल नहीं दिया गया, कि एलार्जिनिन के अलावा और कुछ नहीं दिया, कोई वायग्रा नहीं दिया, कोई अश्वगंधा, कोंच, कोई शिलाजीत वगैरह नहीं दिया गया। तो जिन लोगों के अंदर एलार्जिनिन दिया गया था, उन लोगों को पता नहीं था कि उनको एलार्जिनिन दिया जा रहा है, जिन लोगों में एलार्जिनिन दिया गया 3 महीने तक, उन लोगों के अंदर स्टडी में यह पाया गया कि उनका जो इरेक्शन था वो बेटर हुआ, उनका टाइमिंग बेटर हुआ, उनकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस बेटर हुई। और जिन लोगों में प्लेसिबो थेरेपी दी गई थी, कुछ भी नहीं दिया गया था, उनके अंदर सेक्सुअल लाइफ के अंदर कोई चेंजेज नहीं आए। और 74% लोगों के अंदर ऐसा हुआ कि उनकी जो क्वालिटी ऑफ इरेक्शन हो वो बहुत बेटर हो गया, और बाद में उनको ये फील ही नहीं हुआ कि उनके इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। उन सब लोगों की केस स्टडी की गई, उन सब लोगों का एक इंटरनेशनल इंडेक्स है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का, उस पे स्टडी की गई, उन सब के कलर डॉपलर कराए गए। और जब कलर डॉपलर कराया गया पेनिस के अंदर, तो पेनिस के अंदर जो सॉफ्ट टिश्यूज थे वो इम्प्रूव हुए, उनकी जो वेन्स की स्टिफनेस थी वो कम हुई, उनका ब्लड फ्लो बढ़ा। तो ये जो सारी चीजें उस स्टडी में पाई गई, तो ये एक बहुत एडवांस स्टडी थी, जिसके बाद एलार्जिनिन का जो यूज था सेक्सुअल डिसफंक्शन में बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब ये एलार्जिनिन सिर्फ सेक्स में काम नहीं आता, एलार्जिनिन का जो सबसे ज्यादा यूज होता है, एलार्जिनिन को सबसे ज्यादा जो फांकते हैं वो जिम में बॉडी बॉडी बिल्डिंग करते समय लड़के फांकते हैं। तो होता यह कि जैसे ही वो एलार्जिनिन लेते हैं तो उनकी जो वेन है, जो ब्लड लेके जाने वाली वेन है, वो डायलेट हो जाती है, और उससे उसकी जो पंपिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है,
और जैसे ही मसल की पंपिंग बढ़ती है, उसके अंदर ब्लड फ्लो बढ़ेगा, तो उसके अंदर क्या होगा कि उसके अंदर यदि मतलब आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि मसल पंप करना, तो मसल पंप कैसे करते हैं कि आपने एलार्जिनिन ले लिया, बीसी डबल ए ले लिया, जैसे ही आप उसको लेते हो तो आपका जो वेन है उसमें ब्लड फ्लो बढ़ने लगता है और आपकी कैपेसिटी बढ़ती है, आपकी जो एक्सरसाइज है उसका पावर बढ़ जाता है, और उससे क्या आपकी थकान नहीं होती कि जैसे आपने 2 सेट मारे, 2 सेट मारने के बाद जैसे बॉडी थक रही है, तो एलार्जिनिन लेने के बाद आप 2 4 जितने सेट मारते हो उसके अंदर आपकी रिकवरी बड़ी फास्ट हो जाती है। रिकवरी फास्ट होने से आपका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, मसल के अंदर जो थकान है वो कम हो जाती है। इसके साथ ही एलार्जिनिन जो होती है वो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज को स्टिमुलेट करता है, तो मसल्स कि जो ग्रोथ है वो बढ़ती है कि जैसे आप ले रहे हो एलार्जिनिन तो ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा, ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा तो जो मसल्स की ग्रोथ है वो तेजी के साथ बढ़ती है। इसलिए जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं रोज का 3 से और करीब 6 ग्राम के आसपास एलार्जिनिन रोज का लेते हैं। तो मैं मेरे हर पेशेंट को यही बोलता हूँ कि जब भी आप एलार्जिनिन लो तो उसको लेने का जो सबसे बेस्ट तरीका है कि उसको पानी में डाल के ऐसे पी मत जाओ, उसको लेने का जो बेस्ट तरीका है कि यदि आप कहीं वर्कआउट करने जाते हो तो उस पाउच को अपने साथ ले जाओ, उसको घोलो और वर्कआउट करते समय लो, जैसे आप चेस्ट मार रहे हो, आपने 1 सेट लिया उसके बाद उसका एक एक सिप ले लिया, या कुछ भी कोई भी एक्सरसाइज जो आप कर रहे हो और कहीं भी नहीं जा सकते हो तो एलार्जिनिन को लो, पानी में घोलो, घर पे ही 10 पुशअप मारे, फिर 1 सिप मार लिया, फिर एक मारा, फिर एक 10 पुशअप मारे, फिर 1 सिप मारा, तो क्या होगा कि जैसे ही आप ने पहला पुशअप मारा या पहला सेट मारा तो जो वेन है उसमें वो ब्लड फ्लो बढ़ेगा। अब एलार्जिनिन की वजह से क्या होगा, वो वेन डायलेट हुई तो एक्स्ट्रा ब्लड फ्लो बढ़ेगा, आपकी कैपेसिटी डेवलप होगी, आपका एंड्योरेंस डेवलप होगा, और जैसे आपका एंड्योरेंस डेवलप होगा तो आपकी जो कैपेसिटी है वो डेवलप होगी। दूसरा उसकी जो साइड इफेक्ट होता है एलार्जिनिन के वो भी आपको कम हो जाएगा, एक डायरेक्ट पी रहे हो, एक आप टुकड़ों में ले रहे हो धीरे धीरे, तो उसका जो रोल है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो जो एलार्जिनिन है वो लेना कैसे, ये मैंने आपको बता दिया कि आप इसको वर्कआउट करते समय लो, वर्कआउट भी नहीं कर सकते हो तो घर पे पुशअप वगैरह कुछ भी करते समय थोड़ा सा मसल को पंप करो, फिर एलार्जिनिन लो। तो अभी आता किसके फॉर्म में, ये कैप्सूल फॉर्म में आता है, टेबलेट फॉर्म में आता है, जैसे टेबलेट फॉर्म में है ये एलार्जिनिन और एल सिट्रोलिन की टेबलेट है, इसके अंदर एलार्जिनिन है रोज करीब 1000 mg और 500 mg एल सिट्रोलिन है, तो ये आपको सुबह शाम लेनी होती है बीडी डोज के अंदर। कई ऐसे सप्लीमेंट है जिसमें एलार्जिनिन आयुर्वेदिक औषधियों के साथ भी आता है, जैसे कि इसमें एलार्जिनिन है, गोखरू है, अश्वगंधा है, शिलाजीत है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं, ये इरेक्शन और टाइमिंग दोनों में काम आती है। इसके अलावा एलार्जिनिन के जो सैशेज आते हैं रोज के 3 से 5 ग्राम के सैशे होते हैं, इनको आपको पानी में घोल के पीना होता है। इसको लेने का सबसे बेस्ट तरीका है कुछ खा के लें, खाने के अंदर रोटी शोटी नहीं होती, जैसे कि आपने 2 4 5 10 बादाम ले लिए या एक केला ले लिया, कुछ भी कोई फ्रूट ले लिया, हल्का फुल्का पेट में रहना चाहिए। एलार्जिनिन के अलग अलग तरह के प्रिपरेशन आते हैं, जैसे कि एक प्रिपरेशन है जिसको क्यूलार्पी फोर्ट बोलते हैं, इसके अंदर एलार्जिनिन है, साथ में इसके अंदर कोएंजाइम क्यूटेन है, एल कार्निटिन है, तो ये सेक्सुअल प्रॉब्लम को सही करेगी, स्पर्म काउंट को भी सही करेगी। ये ईडी राइट है, इसके अंदर एलार्जिनिन का डोज है 5 ग्राम, इसके साथ इसमें 3 ग्राम अश्वगंधा है, 3 ग्राम कौच बीज है, इसके अंदर इसके शिलाजीत है, तो ये सब बहुत सारी अलग अलग तरह की प्रिपरेशन आती है, जो आपको सूट करे वो आप ले सकते हैं। अब इसका जो सबसे बेस्ट बेनिफिट है ये सिर्फ इरेक्शन में ही काम नहीं आता, इसको जो रिसर्च जिस वजह से इसको नोबेल प्राइज मिला था वो था इसका कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ, मतलब ये हार्ट की पंपिंग को इम्प्रूव करता है, हार्ट के अंदर यदि ब्लॉकेजेज हैं तो उनको इम्प्रूव करता है कि ब्लॉकेज की वजह से ब्लड फ्लो कम हो रहा है तो एलार्जिनिन जाएगा और इसको धीरे धीरे खोल देगा, ब्लड फ्लो बढ़ा देगा, हार्ट के वो हिस्से जहां ब्लड नहीं जा पा रहा है वहां पे ब्लड सप्लाई करेगा। जनरल हेल्थ के लिए भी आप इसको लोअर डोज के अंदर ले सकते हो कि नहीं तो मैं वर्कआउट करता हूँ, ना मेरे को कोई सेक्सुअल नीड है, तो जनरल एज ए मल्टीविटामिन और एज ए सप्लीमेंट आप इसको लो डोजेस के अंदर 500 mg या 1000 mg के रूप में भी इसको ले सकते हैं। पर अगेन लेने से पहले आपको खुद का डॉक्टर खुद नहीं बनना है, आपको किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना है। क्यों? क्योंकि एलार्जिनिन को लेने से पहले
हमें ये देखना पड़ता है कि भैया आपके कोई इस तरह का कॉन्ट्रा इंडिकेशन मेडिकेशन तो नहीं चल रहा जिससे कि एलार्जिनिन का कॉन्ट्रा इंडिके जिसके साथ एलार्जिनिन कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो, जिसके साथ आपको कोई दिक्कत आ सकती हो। क्योंकि एलार्जिनिन के जो साइड इफेक्ट्स, उनमें जो एक सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है वो है कि ये वेन को के ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, वेन को ओपन कर रहा है, तो इससे बीपी कम होने लगता है। तो बीपी की यदि कोई दवाई चल रही है तो एलार्जिनिन को जब हम चालू करते हैं तो हम पहले बीपी के डोज को कम कर देते हैं, जिससे कि जब उसका बीपी डाउन होगा तो बहुत तेजी तेजी के साथ नहीं होगा। तो ये उसका बेनिफिट भी है और एक साइड इफेक्ट भी है कि आपने एलार्जिनिन ले लिया और बीपी की दवाई भी, तो कहीं ज्यादा बीपी लो नहीं हो जाए। तो ये सब कुछ प्रिकॉशंस होते हैं कि कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले अपने को डॉक्टर से कंसल्ट करना है, आपकी क्या क्या दवाइयाँ चल रही है वो अपने को देखना पड़े। तो ऐसा नहीं है कि एलार्जिनिन आपने ले लिया और आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो एलार्जिनिन को लेने के साथ साथ बहुत सारी चीजें और जरूरी है, एक्सरसाइज जरूरी है। इसके अलावा जो एलार्जिनिन के साइड इफेक्ट होते हैं, सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट जो मैंने महसूस किया मेरे पेशेंट्स में कि उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने लगती है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कुछ लोगों में ऐसा होता है कि उनके जो, क्योंकि ये वेजो डायलेटर है तो आपके पेट की जो आते हैं उनके अंदर उनको डायलेट कर देगी। डायलेट करते क्या होगा, आपको पोटी पतली आने लग जाएगी, टट्टी पतली आएगी, लूज स्टूल आएंगे। जिन लोगों के कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है उनके अंदर बहुत जबरदस्त गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत ज्यादा पाद वगैरह आते हैं ऐसे लोगों को, तो उन लोगों के अंदर एलार्जिनिन को लेते समय प्रिकॉशंस रखने चाहिए और शुरू में ऐसे लोगों को हम लो डोजेस पे स्टार्ट करते हैं। दूसरा जो सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है नोजिया। तो नोजिया बिकॉज ऑफ एलार्जिनिन गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस होता है और आपको वॉमिट जैसा फील आने लगता है, बार बार मुंह से खट्टी डकारें आने लगती है। कुछ लोगों में एलार्जिनिन की वजह से स्किन इश्यूज भी हो जाते हैं, उनके रैशेज हो जाते हैं, खुजली चलने लग जाती है, पूरी बॉडी ऐसे खुजालता रहता है आदमी, तो उनमें भी ये साइड इफेक्ट है। तो ये हर आदमी में नहीं होता, कुछ लोगों में होता है। जो सबसे कॉमन साइड इफेक्ट मैंने बताया वो है ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो ऐसे लोगों के अंदर यदि ब्लड प्रेशर कंटिन्यू लो हो रहा है तो हमें उसका डोज एडजस्ट करना पड़ेगा। जो लोग अस्थमा की दवाई देते हैं उन लोगों के भी अंदर एलार्जिनिन की वजह से थोड़ा सा अस्थमा का अटैक ज्यादा हो सकता है। तो ऐसे लोगों को एलार्जिनिन लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताना होता है कि भैया मेरे अस्थमा है। कुछ लोगों में एलार्जिनिन की हाई डोजेस, नॉट लो डोजेस, 3 ग्राम 6 ग्राम, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होने लगता है कि उनके सोडियम वगैरह पोटेशियम वगैरह के अंदर दिक्कत आने लगती है, जिससे कि हार्ट रेट के अंदर चेंजेज आने लगते हैं। तो अगेन ये मॉलिक्यूल है जिसको प्रिकॉशन के साथ लेना है। मैं साइड इफेक्ट इसीलिए बार बार आपको बता रहा हूँ कि कल कहीं जाके खुद ही एलार्जिनिन ऑनलाइन मंगाया, गूगल फूगल से, अमेजोन से, और चालू कर, ऐसे नहीं करना अपने को चालू, किसी डॉक्टर को दिखा के ही चालू करना, उसके सुपरविजन में चालू करना, जिससे कि वो आपके बीपी की दवाइयों की डोजेज वो सब कम कर सके। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के अंदर ये एक रामबाण दवाई है, ये बेस्ट मॉलिक्यूल है। मेरे सैकड़ों पेशेंट्स हैं आज तक जिन लोगों के अंदर वायग्रा ने काम करना बंद कर दिया था और टाडालाफिल ने काम करना बंद कर दिया, मतलब ओवरऑल PDE5 इनहिबिटर कितनी डोज दे दो, 200 200 ग्राम वायग्रा खाते थे, उनमें इरेक्शन नहीं आता था। लेकिन जैसे हमने एलार्जिनिन चालू किया और लो डोजेस के अंदर उनको टाडालाफिल या सिल्डेनाफिल चालू किया, उनका इरेक्शन जबरदस्त होने लग गया। नाउ दे आर हैप्पी विद देयर इरेक्शन। सो एलार्जिनिन इज ए वंडरफुल मॉलिक्यूल। आपको यदि इरेक्टाइल डिसफंक्शन या इरेक्शन के अंदर इश्यू है तो ये आपके लिए जबरदस्त काम करेगा। लेकिन लेने से पहले आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें और उसको दिखा के ही लें, अपने आप नहीं लें। यदि आपको ये कंटेंट पसंद आया और मेरे द्वारा दी गई जानकारी से कुछ बेनिफिट होता है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।